दोस्तों आज की कहानी है अकबर बीरबल की खाने के बाद लेटना। दोपहर का समय था। राजा अकबर अपने दरबार में बैठे कुछ सोच रहे थे। अचानक उन्हें बीरबल की कही हुई बात एक बात याद आ गई। उन्हें याद आया कि एक बार बीरबल ने उन्हें एक कहावत सुनाई थी जो कुछ इस तरह से थी, खाने के बाद लेटना और मारने के बाद भागना। एक सयाने मनुष्य की निशानी होती है। राजा सोचने लगे, अभी दोपहर का समय है, यकीनन बीरबल खाने के बाद सोने की तैयारी में होगा। चलो आज उसकी बात को गलत साबित किया जाए। ये सोचकर उन्होंने एक सेवक को आदेश दिया कि इसी वक्त बीरबल को दरबार में उपस्थिति होने का संदेश दिया जाए। बीरबल अभी खाना खाकर बैठे ही थे कि सेवक राजा का आदेश लेकर बीरबल के पास पहुंचा। बीरबल आदेश के पीछे छिपे राजा की मंशा भली भांति समझ गए। उन्होंने सेवक से कहा, तुम थोड़ी देर रुको, मैं कपड़े बदलकर तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। अंदर जाकर बीरबल ने अपने लिए एक तंग पैजामा चुना। पैजामा तंग था तो उसे पहनने के लिए उन्हें बिस्तर पर लेटना पड़ा। पैजामे को पहनने का बहाना कर थोड़ी देर बिस्तर पर लेटना पड़ा और फिर सेवक के साथ दरबार की ओर चल दिए। दरबार में राजा बीरबल की ही राह देख रहे थे। उनके वहाँ पहुँचते ही राजा ने पूछा, क्यों बीरबल आज खाने के बाद लेटे थे या नहीं? बीरबल ने जवाब दिया, जी महाराज, जरूर लेटा था। ये सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने बीरबल से पूछा, इसका मतलब यह है कि तुमने मेरे आदेश का असम्मान किया, तुम उसी समय मेरे सामने क्यों नहीं उपस्थित हुए? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज ये सच है कि मैं थोड़ी देर लेटा था, लेकिन मैंने आपके आदेश की अवहेलना नहीं की है। आपको मुझ पर यकीन ना हो तो आप सेवक से इस बारे में पूछ सकते हैं। ये अलग बात है कि मुझे इस तंग पैजामे को पहनने के लिए बिस्तर पर लेटना पड़ा था। बीरबल की इस बात को सुनकर अकबर हंसे बिना रह नहीं ना सके। वो हंस पड़े और उन्होंने बीरबल को दरबार से जाने के लिए कहा। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि परिस्थिति को भांपते हुए हमारे द्वारा उठाए गए एक कदम हमें अनेक मुसीबतों से बचा सकते हैं। दोस्तों, गुड मैसेज ट्यूबर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमेशा खुश रहो दोस्तों। ओके, हैव अ नाइस डे।